हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए, मॉर्निंग में सब्जी। तो क्या करूँ, आज कुछ सब्जी नहीं था घर में। तो लेडीज़ों को तो पता ही है कि हमें कितना टेंशन हो जाता है जब कोई सब्जी ना हो। उनसे झगड़ा भी कर लिया आज मैंने कि सब्जी लाकर नहीं दिया है उन्होंने। फिर भी अब करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, काम तो करना ही पड़ेगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं एकदम टेस्टी सी एक सब्जी। तो आप लोग भी खा कर देखिएगा और बना कर ज़रूर देखिएगा कि ये सब्जी कैसी है। तो ये मैंने लिया था सूजी, तो ये ज़्यादा सूजी नहीं है, सिर्फ 100 ग्राम ही सूजी है। इसी में बहुत सारा बन जाता है, क्योंकि सूजी तो पता ही है। को मैंने भून लिया है और इस कलर उसका हमें अलग चेंज नहीं करने देना है। हल्का सा 1-2 मिनट हम सूजी को भूने और उसके बाद उसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो ये बिल्कुल हलवा की तरह है, लेकिन इसको है ना हम लोग ज़्यादा भूनेंगे नहीं। और ना ही मैंने कोई तेल वगैरह दिया था उसमें, ना घी वगैरह, बस सूखा हमें ड्राई रोस्ट करना है इसे सूजी को। और उसके बाद हम लोग इसमें पानी देने के बाद इसको थोड़ा सा थिक हम लोग इसको पकाएंगे, क्योंकि है ना इसका हम लोग को डो बनाना है। तो ये देखिए सूजी हमारी पक चुकी हैगी, तो थोड़ा सा टाइट हमें इसे रखना है, इसलिए हम लोग इसको और थोड़ा सा देर पका लेते हैं ताकि थोड़ा और टाइट हो जाए। ऐसे हल्का ठंडा होने पर फिर ये वो टाइट हो ही जाता है। जब तक वो अब ठंडा हो रहा है सूजी, जब तक मैं इधर चावल रख लेती हूँ कि लगे हाथ काम होता जाता हैगा। तो इधर चावल रख दिया, उसमें मैंने डाल दिया है घी और ये नमक डाल देती हूँ। तो उधर जब तक सूजी ठंडी हो रही है, इधर जब तक हमारा चावल बन जाएगा। तब ये मैंने है ना सूजी लिया है, तो सूजी है ना उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दिया है, प्याज डाल दिया है और धनिया का पत्ता डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें है ना हरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो सब्जी थी नहीं, क्योंकि है ना अगर चाहें तो ये स्नैक की तरह खा लें, चाहे तो इसे मतलब सब्जी में भी बना लें। तो मैंने तो मेरे पास तो पता ही है कि मैंने बताया कि सब्जी कोई सी थी नहीं, लेकिन धनिया पत्ता वगैरह था। तो धनिया पत्ता, हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा और नमक डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा आटा भी डाला था जो कि स्किप हो गया है। और ये सरसों का तेल 1 चम्मच के करीब मैंने डाल के और फिर इसको खूब अच्छे तरीके से मसल लिया। और ये फिर देखिए गोला बना रही हूँ। तो बिल्कुल अगर हाथ में आपके चिपके तो तेल हाथ में लगा लीजिए, नहीं चिपके तो कोई लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, क्योंकि वो मैंने 1 चम्मच तेल जो डाला था उसमें मिलाने समय, उसी से ये बहुत अच्छी तरीके से बन गए हैं। और ये तेल भी हाथ से छोड़ देता है, क्योंकि हाथ में तेल लगा हुआ ही था। तो इस प्रकार से हम सारे गोले बना लेते हैं सूजी के। तो ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं सूजी के गोले। तो फिर ये कढ़ाई मैंने गर्म होने रख दिया था, उसमें दे दिया है तेल। तो कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, रंग बिरंगे टाइप में। इसमें अगर सब्जियाँ डाल दीजिए तो और ज़्यादा रंग बिरंगी बन जाती है। तो ये है ना फिर उसको है ना जब तेल गर्म हो गया तब उसमें ये सारे गोलों को डाल दीजिए कि हमारी ये फ्राई हो जाए। तो इसको अभी हम लोग हिलाएंगे नहीं, और जब ये है ना मतलब एक साइड से ब्राउन कलर में हो जाएगा तब हम लोग इसको पलटेंगे। तो यह क्या हुआ कि बाबू ने है ना स्किप कर दिया था, तो ये पलट के मैंने एक निकाल लिया एक बार, ये दूसरी बार का तब मैंने कहा कि पूरा दिखाओ, तब ये दिखा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पलट कर सेक लेते हैं। उसके बाद जब उसी कढ़ाई में फिर मैंने प्याज रख दिया है और फिर मैं ये डाल दिया है मसालों में, मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची ये कूट के डाल दिया है, थोड़ा हल्दी पाउडर और ये धनिया का पाउडर डाल दिया है मैंने। तो इन मसालों को भूनेंगे हम लोग। और उसके बाद ये मैंने दे दिया है 2 टमाटर। तो टमाटर दे से तो पता ही, टमाटर आजकल बहुत अच्छा है, टमाटर से अच्छी ग्रेवी भी बन जाती है और सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो तब तक हमारे टमाटर गलेंगे नहीं, तब तक हम लोग इसको पकाएंगे। तो टमाटर को गलने तक हम इसको ढाकेंगे। तो ये जब तक मैंने धनिया का भी पत्ता डाल दिया है, क्योंकि पता ही है ध्रुव है ना ऊपर से डालती हूँ ना धनिया का पत्ता, तो वो नहीं खाता है। हाँ सब्जी में ये मसालों में भुन जाता है, बिल्कुल गल जाता है, क्योंकि उस समय धनिया पत्ता तब वो खा लेता है, नहीं तो उसके नखरे बहुत ज़्यादा ही हैं।
तो ये देखिए हमारे पर धनिया के पत्ते तो गल गए लेकिन टमाटर नहीं गले हैं। तो टमाटर के हमें गलने तक इसको पकाना है। तो अब ये देखिए मसाले पूरे पक चुके हैं, थोड़े बहुत जो टमाटर हैं तो इसको भी मैंने गला लिया। और ये देखिए बिल्कुल हमारा मसाला गल, मतलब टमाटर हमारा दिख नहीं रहा है, इतना गल चुका है। तो ये मसाला भी तेल छोड़ चुका है, ये देख रहे हैं बिल्कुल कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये कि आप लोगों को थोड़ा हिलता हुआ, क्योंकि ध्रुव को कितना भी कह लो तो वो मोबाइल ज़रूर ही हिला देता है, कब तो बहुत हिलता हुआ आता है वीडियो। तो फ्रेंड्स इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चा ही है, थोड़ा इधर उधर कर देता है वही, लेकिन पकड़ के बना रहा है। ट्राईपोर्ट है मेरे को एक पड़ोस में था तो उसने दिया है, लेकिन वो टूटा हुआ ट्राईपोर्ट है इसलिए वो इस काम नहीं कर पाता है उतना, क्योंकि टूटा हुआ है उसका, जब मोबाइल रखने का ही तो क्या काम करेगा। अब तो ये देखिए ये जब तक हमारे पानी में ग्रेवी मतलब उबल चुकी है, अब पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं। तो इसमें मैं चावल के हिसाब से भी पानी डाल दी हूँ, और ये सूजी के गोले हैं थोड़े से पानी ये भी सोखते हैं, तो इसलिए फिर इसको अच्छी तरीके से हम लोग डाल देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ध्रुव तो दो चार ऐसे भी खा लिया है। तो ये देखिए हमारे सूजी के रसगुल्ले यानी कि रसगुल्ले नमकीन रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए हम ध्रुव का खाना निकाल दी हूँ। तो आप लोगों को ये कैसे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इधर अब ये ध्रुव खाना खाने जा रहा है तो मैं इधर साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। तो ये सफाई करते कर चुकी हूँ मैं मतलब, तो ये देखिए क्योंकि छोटा सा जगह है वहीं पर बैठ के सब काम करना होता है, तो साफ़ सफाई हो जाए तो ही अच्छा लगता है हमें। तो ये साफ़ सफाई मैंने चूल्हा वगैरह सब पोछ लिया है, खाना मेरा बन चुका था और ये पानी गर्म हो रहा था मेरा। तो ये देखिए इतना समय 11 बज चुका था, टाइम हो चुका था, दिन जल्दी निकल जाता है। तो अब ये मैं खाना खाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये मेरा खाना है, मैं खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि अभी 11 बज चुका है और खाना खाऊँगी उसके बाद सिलाई करूँगी, क्योंकि मेरी तो दिनचर्या यही है खाना बनाना और सिलाई करना, क्योंकि मेरा घर परिवार मेरी गृहस्थी इसी सिलाई से चल रही है। तो सबसे पहला काम तो वही होता है ना, सिलाई करना। तो मैं भी अब जा रही हूँ सिलाई करने, पहले खाना खा लूँगी उसके बाद सिलाई करूँगी। तो सुबह आज सिर धो लिया था मैंने, सोचा है मेहंदी लगाऊँगी बालों में, तो क्योंकि अब थोड़ा गर्मी का मौसम आया है, लेकिन अगर टाइम नहीं मिल पाया तो फिर नहीं भी लगा सकती हूँ। अगर लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि अभी मैंने मेहंदी गलने नहीं दिया है, क्योंकि मुझे मंगाई हूँ अभी मेहंदी, अगर गलने दूँगी तब लगाऊंगी। तो वैसे धूप में रहता है तो अभी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेहंदी तो ठंडा होता है ना, तो नहीं उतना इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है, सर में और आँखों में हमेशा दर्द होता है सिलाई की वजह से। तो इस वजह से मैं मेहंदी वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती हूँ। हाँ आज मन चला तो मैंने कहा चलो आज सिर धोया है, क्योंकि ऑयल लगा हुआ था सिर में तो नहीं लगा सकती थी, इसलिए सिर धो लिया है। और अब तक जाकर फिर मैं लगाऊँगी मेहंदी, और टाइम मिला तो लगाऊँगी, नहीं तो फिर तो मेरा जो रूटीन है मैं वही करूँगी। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर हमारा साथ दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। आप लोगों के ही कारण हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हम लोग अपना भी मंजिल पा सकते हैं, थोड़ा सोचा था, इसलिए आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा